गौतम बुद्ध ने कहा है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। कहा भी गया है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। भारत में 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में आहार और पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। विभिन्न संगठन स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आहार युक्तियां साझा करने के लिए आगे आती हैं। इस बार के राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का विषय है ईट राइट बाइट बाय बाइट। भारत सरकार ने यह पहल 1982 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य उचित पोषण, शिक्षा के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करना था, क्योंकि राष्ट्रीय विकास में कुपोषण मुख्य बाधा है। खाद्य और पोषण बोर्ड, महिलाओं और बाल विकास, स्वास्थ्य और गैर सरकारी संगठनों के राज्य विभागों सहित सभी इस सप्ताह के दौरान पोषण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक साथ आते हैं। आइए जानते हैं आखिर पोषण है क्या। पोषण वो संतुलित भोजन है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फैट आदि शामिल होती है। परंतु इन दिनों जो डाइट लिया जा रहा है उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं, परंतु प्रोटीन और विटामिन नहीं मिल पाते। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए ज्यादा खाने की बजाय संतुलित भोजन की जरूरत है। स्वास्थ्य और कल्याण का केंद्रीय बिंदु पोषण है, या आपको काम करने के लिए शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है तथा तंदुरुस्त और अच्छा महसूस करने में भी सहायता करता है। WHO के अनुसार पोषण का संबंध शरीर की आवश्यकता अनुसार आहार के सेवन को माना जाता है। इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह उत्सव का लक्ष्य है गहन शोध के द्वारा पोषण संबंधी समस्याओं को नियंत्रित और बचाव के लिए उचित तकनीक का आकलन करना, आहार और पोषण के लिए देश के स्थिति की निगरानी करना, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम को लागू करने और योजना के लिए प्रक्रिया संबंधी शोध पर कार्य करना, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में अनुकूलन प्रशिक्षण के द्वारा लोगों को जागरूक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में न्यूट्रिशन यानी पोषण पर बल देते हुए कहा कि सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। अब जिस तरह से स्कूल की क्लास में रिपोर्ट कार्ड बनता है, ठीक उसी तरह से सभी बच्चों का न्यूट्रिशन कार्ड भी बने। प्रधानमंत्री ने न्यूट्रिशन को जन आंदोलन बनाने की अपील की।